हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। तो आज है एक और नए दिन की शुरुआत। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो चुका है, तो अभी जो है मिड मॉर्निंग स्नैक्स से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आज का डे जो है ना वो बहुत रेनी है, कल बहुत ही गर्मी थी और आज जो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। वेदर काफ़ी ठंडा सा है बट अच्छा है, गर्मी से तो काफ़ी अच्छा है कि गर्मी नहीं हो। तो हमने जो है आरओ को भी चाहिए था, अभी चाहिए पिंक मिल्क, तो मैं उसको बना के दे देती हूँ, यानी कि रू अफ़ज़ा मैं उसको मिला के देती हूँ, उसको पिंक मिल्क बोलता है। और आर्य जो है ऑलरेडी उसका हमने मुंडन कर दिया है, तो उसका क्लिप मैं डाल देती हूँ। उसको नहला दिया उसके बाद, तो उसको भी आज जल्दी नींद आ गई और वो अभी नैप ले रहा है। अभी वो नैप ले रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है अभी अपनी लंच की तैयारी कर लेती हूँ, ताकि वो उठेगा तो उसको बहुत भूख लगी होगी और उसके कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरे पास रेडी रहेगा। तो आज जो है कि मैं बनाने वाली हूँ बीन्स, जो कि हमारे अपने गार्डन से हमने पिक करी हैं, काफ़ी सारी बीन्स हैं वो। तो मैं सोच रही हूँ आलू बीन्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीन्स को जो है ना ड्राई प्याज के साथ भून के वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको भी दिखाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ वो, आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बीन्स काटने से पहले ना मैंने सोचा राइस भिगो देती हूँ, राइस तो बनाना ही है, तो मैंने यहाँ पे राइस भिगो के रख दिया है। और जो मैं है ना अभी आटा लगा रही हूँ, आटा है ना मैं पहले ही लगा लेती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए जब तक, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें और बस इसको मैं गुनगुने पानी से थोड़ा सा गुन के रख दूंगी और ताकि ये सेट हो जाएगा जब तक, और फिर मैं बीन्स काटना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा ऑयल टेबलस्पून वाला, और मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले हींग और थोड़ा सा ज़ीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक, मोटा एकदम मोटा मोटा काटा है मैंने, तो बारीक नहीं काटना है, मोटा काटते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, इस सब्ज़ी में। अभी भून गया है देखो, तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज भी एकदम मोटे मोटे काट के डालने हैं स्लाइस करके, और प्याज को थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। देखिए प्याज का भी कलर एकदम चेंज हो गया है, थोड़ा रेडिश का हो गया है। तो अब मैं इसमें ना एकदम बारीक कटी हुई बीन्स डाल दूंगी, और अब इसमें ना कुछ भी नहीं डालना है, ना ही सॉल्ट डालना है ना हल्दी डालना है। इसको पहले ऐसे ही थोड़ी देर भूनना है, वो भी स्लो फायर पे, ताकि ये जले ना। देखो आटा ऐसे गूंद के रखने से ना एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ही स्मैश करना पड़ेगा ऐसे हाथ से, और एकदम सेट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले ही भिगो के और रख देती हूँ ऐसे। देखिए आटा एकदम चिकना और मुलायम हो गया है। और मुझे है ना काफ़ी दिन से कोल्ड कॉफ़ी पीने को मन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं आज कोल्ड कॉफ़ी बना ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा होल मिल्क लिया है और वनीला आइसक्रीम मैं जो है इसमें डाल दूँगी। मेरे को ये कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत टाइम हो गया जो कि मैंने पी नहीं है, तो आज तो मैंने सोचा आरुण ने आइसक्रीम मांगी तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम उसको दे ही रही है तो मैं कॉफ़ी बना ही लेती हूँ, इतना मेरा मन है पीने का। तो मेरे पास ये नेस्ले का इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, यही मैं डालूँगी इसमें, और शुगर। बस हो गया ये रेडी कॉफ़ी ऑलमोस्ट। तो ये हो गया मेरा कॉफ़ी रेडी, इंजॉय। और ये मेरा टकलू उठ गया है और मुझे बुला रहा है मम्मा मम्मा। टकलू कैसा क्यूट लग रहा है ना टकलू। क्या हो गया है? What is doing, Aya? What Papa is doing? It's okay. Kya? What you wanna give it? More kisses. Then why are you crying? Why are you crying, Taklu? Why are you crying for Papa?
wanna go to Papa. Go him. It's okay, let him go for work, beta. No. I don't want to let him go. Are you? डोर पे जा जाके देखते रहते हैं, पापा चले गए वापस आएंगे। एक ये रो रहा है, पापा क्यों चले गए? पापा has to go for work बेटा। मामा, टक्कू टक्कू टक्कू। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया, इट्स रेनी है और आरो बहुत जिद कर रहा था बाहर जाने के लिए। इसको मड़ी पड़ल जैसा खेलना है और इसका बच्चों को तो बारिश में पसंद ही है खेलना। आर्य कितना खुश हो रहा है, देखो उसको भी करना है। ओहो 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 मेरे जम्मू मम्मा, हैप्पी हैप्पी। तो सब्जी जो है ना ऐसी हो गई है, थोड़ी भुन गई है, इसमें पानी वानी भी जो है आराम से सूख गया है इसका, जो कि बीन्स का अपना ही पानी था, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था वाटर। तो अब इसमें है ना, मैंने पहले आर्य के लिए निकालना है, तो मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट डालती हूँ। तो इसमें एकदम मैं ना सिंपल मसाले डालूंगी, सबसे पहले सॉल्ट, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला यूज़ करती हूँ वो डालूंगी, बस यही सब डालूंगी। ये मैं आर्य के लिए निकाल के फिर इसमें मैं खूब सारा ग्रीन चिली चॉप करके डाल दूंगी, और ये सब्जी है ना, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर जो कि मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, आर्य के लिए मुझे निकालना है इसमें, इसके लिए उसके बाद में डालूंगी। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी इसको ट्राई जरूर करना, स्पेशली दाल के साथ में और चावल के साथ में, इवन दो रोटी के साथ में या पराठे के साथ भी आराम से इजीली इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट फुलके दो तीन सेक लेती हूँ अपने लिए और आरव के लिए। आर्य को मैंने राइस और बीन्स खिला दिया है ऑलरेडी। अभी जो है लंच वगैरह हमारा सब हो गया था, अब जो आर्य सो गया है, उसका मॉनिटर लेके आ गई, वो दूसरे रूम में सोता है और हम भी अपने बेडरूम में आ गए हैं। मैं बोल रही हूँ आर्य को थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, नैप ले लेते हैं, मेरी भी टायर्डनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ये शैतान कह रहा है इसको सोना नहीं है, नहीं सोना है। तो यहाँ पे हो गई है अब हमारी इवनिंग, हम नैप लेके उठ गए हैं और अभी बेबी को करा रहे हैं हम थोड़ा सा स्नैक टाइम। बेबी हंग्री तो है ना मेरा बच्चा, आज कितना हंग्री है, ये उठते ही रोने लगा था, तो आई नो कि ये हंग्री है, तो इसको मैंने थोड़ा ग्रेस दिया है। और यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल किया है, उसका मैंने अपने लिए चाट बनाया है हल्का सा, चाट तो क्या बस काट के सॉल्ट पेपर सॉल्ट और चाट मसाला डाला है, यही मैं खाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आर्य को भी ट्राई करती हूँ, पहले मैंने जब भी इसको दिया है इसने नहीं खाया है, पर आज थोड़ा खा रहा है ये ना। हाँ दिया है मैंने रोटी का रोल बना के, न्यूट्रेला लगा के, आर्य का फेवरेट राइट। ये सारी है तो मुझे जो है अभी यहाँ पे लगाना है आज मॉप और वैक्यूम। तो यहाँ पे आर्य ने जो अभी ग्रेप्स खाया गिरा दिया, बेटा स्टिकी हो जाएगा, अभी मैं क्लीन करती हूँ इसको और फिर यहाँ पे जो है पूरे घर में मॉप लगेगा। मैंने कल नहीं लगाया था तो आज लगेगा, आपको भी कैमरा चाहिए। तो मेरे पास ये वाला मॉप बकेट है, मेरे पास फैंसी वैक्यूम्स नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्लीच डालती हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा विनेगर, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिश सोप डालती हूँ, और फ्रेग्रेंस के लिए जो है मैं ये यूज कर लेती हूँ डवी का कुछ भी लाइक जो कपड़ों में डालने वाला होता है, थोड़ा सा एकदम मैं ये यूज कर लेती हूँ। एंड इसके बाद में एकदम उबलता हुआ इसमें गर्म पानी डालेंगे पेट को फिल करके, फिर मैं इससे ही मोप लगाती हूँ अपने घर में, तो जो है ना एक प्रेगनेंस भी आ जाती है और एक डीप क्लीन भी हो जाता है अच्छे से, क्योंकि ब्लीच और विनेगर इसमें है ना, इसीलिए। यहाँ की क्लीनिंग जो है मेरी एकदम हो गई है, सब कुछ चकाचक हो गया है यहाँ पे, एज यू कैन सी देखो सब कुछ मैंने सेट कर दिया है और सोफे पे भी कर दिया। बस ये थोड़ा लॉन्ड्री है जो कि मुझे फोल्ड करना है, अभी आज ही सुबह वॉश किया था, और सोफे वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। अब मैं बनाती हूँ डिनर।
तो डिनर में मैं अभी बना रही हूँ तूर की दाल। दोपहर की जो सब्जी बची हुई थी वो अभी बची हुई है, तो मैं इसमें हल्का सा सिर्फ नमक, टमाटर और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। और ये आर्य को भी खाने के लिए हो जाएगी, और बाद में जो मैं इसमें तड़का, सिंपल सा तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैं लगाने वाली हूँ दाल में तड़का, एकदम सिंपल सा मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हींग। हींग अच्छा रहता है दाल में, गैस वगैरह बनना नहीं बनेगा। और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद जो है मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन। के भुन जाने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। अब गैस को मैं टर्न ऑफ कर दूंगी और उसी के बाद जो है मैं मसाले डालूंगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाला है इसमें, और हल्की सी रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा किंग मसाला जो है मैं इसमें डालूंगी बस। और इसको सीधा ही इसमें हम डाल देंगे। तो डिनर भी मेरा रेडी हो गया है, अब मेरा कुछ कम नहीं बचा। दाल भी एकदम अच्छी दिख रही है, बस थोड़ा सा कोल। तो अभी बज गए हैं 8 और दाल बॉईल हो गई थी, तो मैं दाल में थोड़ी सी रोटी डाल ली है। और आर्य को लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त भूख, क्योंकि इसके खाने का टाइम जो है ना हो गया है। तो मैं इसको ये दाल और रोटी खिला देती हूँ। इस टू हार्ट मैंने इसमें ना थोड़ा सा घी डाल लिया है। हाँ बच्चे, यू टू हंग्री? ओके आई गिव यू व्हाट यू वांट टू ईट। रुक जाओ, इट्स टू हार्ट बच्चे, टू हार्ट। इसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कितनी भूख। ले ले ले, टू हार्ट। जो है मुझे करनी है टॉय रूम की क्लीनिंग। बच्चों ने जो पूरा मैसअप करके रखा हुआ है। चलो आ जाओ। This is our toy room. और toy room में सिर्फ और सिर्फ toys होते हैं। And ये शैतान babies. ये लोग सब blocks जो हैं, सारे के सारे blocks जो हैं करके इसमें डालेंगे। आर्य भी मम्मा का help करेगा, है ना? Put it here. Good job. और मुझे जो है करनी है डिशेस क्लीन, तो मैं इस दाल को भी जो है ना खाली कर लेती हूँ एक बाउल में, ताकि सारे बर्तन जो है मैं अभी साफ़ कर दूँ। तो जो है ना डिशेस हो ही जाती हैं, दोपहर की मैंने कर दी थी, अभी फिर से हो गई हैं। तो क्या ना मैं सोच रही हूँ जब तक मनोज आएंगे उनसे पहले ही मैं सारा काम निपटा के रख दूँ, तो फटाफट से मैं डिशेस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मुझे बॉटल्स भी धोनी है, तो चलिए करती हूँ, ये मेरा लास्ट काम बचा है। तो बच्चों को मैंने जो है खाना खिला दिया है, अभी जो है मेरे डिशेस का काम बाकी है, और डिशेस का काम मैं कर लेती हूँ। लॉन्ड्री भी मैं फोल्ड करने लगी थी, तो बच्चों ने आके मुझे तंग कर दिया। आर्य मुझे बिल्कुल नहीं करने दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही वो सोएगा उसके बाद मैं लॉन्ड्री फोल्ड कर लूँगी, और तब तक मैं जो है डिशेज वगैरह क्लीन कर लूँ। थोड़ी सी देर वो लोग टीवी देख रहे हैं, तब तक मैं जो है मेरा किचन का काम निमट जाएगा। और मनोज जो है आने वाले हैं लाइक अराउंड, अभी 8:30 बजे हैं, 10:30 बजे तक वो घर पहुँच जाते हैं, तभी मैं और मनोज खाना खाते हैं, और उसके बाद जो है हम सो जाते हैं। बस वही काम रहता है हमारा, छोटे मोटे कुछ काम बचे हों जो बच्चों के सोने के बाद करते हैं तो वो करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं ये काम भी अपने निपटा लेती हूँ। चलिए फिर, आपको कैसी लगी मेरी ये पूरा दिन की प्रोडक्टिविटी वाली वीडियो? मेरा पूरा दिन ऐसे ही बच्चों के साथ में बहुत बिजी रहता है, कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रहते हैं, तो काम को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। कि जैसे कि झाड़ू पोछा मैं डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ, या कभी कभार तो लिविंग एरिया में तो मुझे करना ही पड़ता है, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पर खाना खाते हैं और सोफ़ा वगैरह गंदा करते रहते हैं, तो मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, या आपको इंस्पायर किया हो, या आपको मेरा कोई आइडिया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।